प्रिय विद्यार्थियों, बीएमएस पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएमएस पब्लिक स्कूल आपका कक्षा 8 में स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय की कक्षाएं प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं, इसीलिए विद्यालय ने निर्णय लिया है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे उपलब्ध कराई जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा 8 का मैथ्स का पहला चैप्टर लेके आपके सामने आया हुआ हूँ। तो पहला चैप्टर है आपका रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा कक्षा 7 की पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में, तो उसी के कुछ पार्ट्स मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपको चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो आपने नेचुरल नंबर्स कक्षा 6 और 7 में पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं। जैसे आपको कोई चीज काउंट करनी है, सपोज आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करना है, टीचर ने बोला कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप गिनकर बताइए, तो आप कैसे काउंट करोगे? स्टार्टिंग कहां से करोगे? जो पहला स्टूडेंट होगा उसे आप 1 काउंट करोगे, ना कि उसे 0। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 जितने आपकी क्लास में स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अगर सपोज आपको आसमान में तारे गिनने, कितने तारे हैं, तो कैसे काउंट करोगे आप? नहीं काउंट कर सकते, लेकिन हैं तो सही, कोई ना कोई संख्या तो होगी उनकी। तो जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? अनंत, यानी इन्फिनिट। उसके बारे में हमें पता नहीं है, राइट। कई बार आप आपस में डिस्कस भी करते हो, सपोज मान लो 2 स्टूडेंट ने आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे रुपए हों, आपने कह दिया मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके फ्रेंड ने बोला मेरे पास 1 करोड़ 1 रुपया है, आपने कहा मेरे पास 1 खरब रुपए हैं, आपने कह दिया तेरे पास जितने उससे 1 ज्यादा मेरे पास है, तो लिमिट खत्म हो गई। यानी कि जो भी संख्या उसने बोली आपने उसमें +1 कर दिया। तो प्राकृतिक संख्या का कोई भी अंत नहीं है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो अनंत तक होते हैं। करेक्ट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर ये क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। अभी देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो अपूर्ण थी, यानी इनकम्प्लीट थी। ये पूर्ण कब होंगी? जब इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे। 0 क्या है? आर्टिफिशियल नंबर है, 0 की खोज हुई थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी। तो जब 0 को नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दिया जाता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तब ये बन जाता है आपका क्या? होल नंबर, राइट। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिट, ये नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंटीजर। ये आपने 6 या 7 में डिस्कस किया होगा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर में अगर हम जो नेचुरल नंबर हैं इनके नेगेटिव पार्ट को अगर ऐड कर दिया जाए होल नंबर में, तो फिर ये इंटीजर बन जाते हैं। जैसे मैं बोलूं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, क्लियर? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1, -2, -3। मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जब भी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो लेफ्ट साइड में सबसे छोटा नंबर आता है, राइट साइड में बड़े नंबर आते हैं। तो अगर -1 और -3 में कंपैरिजन किया जाए तो -3 -1 से छोटा है। तो नंबर लाइन पर छोटे संख्या को हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लेफ्ट साइड को लिखता जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि यहां तो 3 है, यहां 1 है, 3 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये नेगेटिव है। अगर आपके पास 1 रुपया उधार है और आपके फ्रेंड के पास 3 रुपए उधार है, तो ज्यादा कर्जे में कौन है, 3 रुपए वाला या 1 रुपए वाला? तो ये नेगेटिव है। वो जिस नेगेटिव के बाद अगर संख्या बड़ी लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू कम होती है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस इनफिनिट तक, फिर 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफिनिट तक। तो ये नंबर हो गए आपके कौन से? इंटीजर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिटी, यानी एक का कोई भी हिस्सा जो होता है, कोई भाग जो होता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। पी जो होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है। क्या होता है? न्यूमरेटर। और क्यू जो होता है, जो संख्या नीचे लिखी रहती है, वो होता है आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, राइट। यहां पर पी और क्यू दोनों ही होल नंबर होते हैं। पी और क्यू दोनों क्या होंगे? होल नंबर होंगे। पी अपॉन क्यू दोनों ही होल नंबर होंगे, और ये अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये फ्रैक्शन बन जाता है।
ठीक है। डेफिनेशन अगर बोली जाए इसकी तो इट इज पार्ट ऑफ यूनिटी और सेवरल पार्ट ऑफ यूनिटी इज नोन एज फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट पार्ट की बात कर लेता हूं मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब टाइप इसका डिपेंड करता है कि जो आपका पी वाई क्यूब में दो होल नंबर है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। अगर पी क्यू से बड़ा है या पी क्यू से छोटा है तो दोनों ही अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन बन जाते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी पी इज लेस देन क्यू, तो ये बन जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो आप कह सकते हो 2/3, 5/7, 11/13, 17/19। तो इन फ्रैक्शंस में आप देख रहे हो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, 5/7 से छोटा है, 11/13 से छोटा है, 17/19 से छोटा है, तो ये सारे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात की जाए, बी पार्ट होता है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो होल नंबर होगा वो नीचे वाले होल नंबर से बड़ा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, राइट। इसके अगर एग्जांपल देखे जाए तो या तो जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिया आप इनको रिवर्स में लिख सकते हो, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे, जैसे हो जाएगा 3/2, 7/5, 7/5, 13/11, 19/17। ये सारे कैसे हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से में से ही बन जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी इसका तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, एक नेचुरल नंबर मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। अगर मैं इसको देखूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अगर 2 से 3 को डिवाइड किया जाए तो 1 times तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो बच जाएगा 1/2, यानी हम कह सकते हैं इसको 1 + 1/2, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें जो पहला पार्ट है ये क्या है नेचुरल नंबर है, और उसका ये क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, p इज लेस देन q, दैट इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो पूरा मिलकर क्या बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं मैं इसे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिप्ले करके चेक कर सकते हो। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इसका अगला टाइप होता है इसका लाइक फ्रैक्शन। लाइक मीन्स क्या होता है, एक जैसा, यानी इसमें कोई ना कोई चीज तो एक जैसी होगी, कोई चीज सेम होती तभी तो लाइक करते हैं उसको। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी एक फ्रैक्शन ऐसा जिसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, राइट। क्या होगा, जिनके डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट। 2 or 2 से ज्यादा फ्रैक्शन लिखेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए इसका, लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल 2/7, 3/7, 5/7, सब में क्या है डिनोमिनेटर तीनों के देखिए एक जैसे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या है तीनों लाइक फ्रैक्शन है, राइट। अगर अनलाइक फ्रैक्शन की बात की जाए, अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, यानी दोज फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा इसका, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, करेक्ट। एग्जांपल ले लीजिए 2/3, 3/5, 5/7, तो यहां आप डिनोमिनेटर देखिए 3, 5, 7 डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन, करेक्ट है। तो ये था आपका रिवीजन जो आपने 6th और 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं, जो आपका टॉपिक है मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं। देखिए
आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, यानी एट क्लास का जो आपका सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर का, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू, यानी कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर है, अभी जो हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था वो वहीं से रिलेटेड है, राइट। फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर भी बोल देते हैं, राइट। तो जो क्यू होता है यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? सपोज मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री, पी की जगह मैंने थ्री रख दिया और क्यू की जगह पे जीरो, थ्री बाई जीरो। जब किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां पे वैल्यू जो होती है वो इनडेफिनेट आती है, यानी उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाती है, राइट। तो इसलिए, और जो इनफाइनाइट होता है वो फिर क्या है? वो रेशनल नंबर नहीं होता। तो इसलिए क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों होल नंबर होने चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अब थोड़ा बात करते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन नंबर, इज अ फ्रैक्शन, ये करेक्ट है। यानी जो कोई भी रेशनल नंबर होता है वो एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। बट अगर इसको हम उल्टा बोले अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मे नॉट बी अ रेशनल नंबर, राइट। यानी जो फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो रेशनल नंबर होगा वो फ्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब देखा जाए जीरो, जीरो क्या है? जीरो क्या था? जीरो एक होल नंबर था, और होल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। तो जीरो भी क्या है? जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, जीरो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखें नेचुरल नंबर जो होते हैं, यानी आपके काउंटिंग नंबर थे 1 2 3, ये सारे क्या थे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आर ऑल्सो रेशनल नंबर, आर ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीजर की बात की जाए, अगर इंटीजर जो थे, इंटीजर में क्या था? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, यानी जीरो और काउंटिंग नंबर्स तथा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे क्या थे? इंटीजर्स। तो इंटीजर जो होते हैं वो भी, इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, करेक्ट। उसके बाद देखें रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं क्या? अब हमने बोला इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, करेक्ट। हाँ, तो देखा जाए अगर रेशनल, इसको उल्टा देखा जाए, रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इंटीजर्स, यानी जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। दोनों चीजें 100% नहीं कह सकते जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर होंगे, लेकिन जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर होंगे, ऐसा हम 100% कह सकते हैं, करेक्ट। चलिए, अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है, रेशनल नंबर विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ? जो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो ही रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा कि जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव तभी होगा, इफ, कब होगा? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि पी और क्यू दोनों के दोनों कैसे होंगे? या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, तो ही ये पॉजिटिव होगा। अदरवाइज, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रेशनल नंबर विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव इफ
एनी ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, नॉट बोथ, ये ध्यान रखना है, नॉट बोथ। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेंगे इसका, तो -3/5 ये यहां पर कैसा हो जाएगा, ये अगर देखा है तो कैसा, ये नेगेटिव। यहां पे क्या, न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है। दूसरा एग्जांपल लें अगर 7/-9, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/9, राइट। आपको मोस्टली ऐसे लिखेगा, माइनस का साइन है, दोनों के बीच में लिखा रहता है। तो ये भी कैसा है, हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, करेक्ट। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है। दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव है, कोई एक ही नेगेटिव है, तो फिर वो नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की बात थी, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी वीडियो कल मिलेगी आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।